बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि वाई हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें कहा गया है कि सूटेबल सब्सटीट्यूशंस हमने यूज़ करनी है, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो इसके जो हैं क्वेश्चन नंबर वन के फाइव पार्ट्स हैं, ठीक है, कोई सा एक पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट वन ही हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी भी सेम है, उस तरह से आप खुद करेंगे बाकी पार्ट्स। तो पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, वाई इज़ इक्वल टू वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, सही है। तो इसमें हमने इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन यूजिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस, तो कोई ना कोई सब्सटीट्यूट हमने करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सब्सटीट्यूट हम किसकी जगह करें। देखें, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास टर्म है वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, तो इस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इसकी जगह कोई और हम कोई एक सिंगल वैल्यू या कोई एक सिंगल वेरिएबल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट यू इज़ इक्वल टू यू हम कह देते हैं, लेट यू इज़ इक्वल टू वन माइनस एक्स, प्लस की जगह ये माइनस है, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस टर्म को वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स जो है, इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया यू, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया कि u इसके बराबर है। अगर u इसके बराबर है तो हम इसकी जगह u पुट कर सकते हैं, सही है। बराबर होने का ये मतलब है ना कि दोनों इक्वल हैं दोनों की वैल्यूज़, तो फिर u का हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ u, सही है। तो अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये आएगा y का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है d ओवर डी एक्स इज e ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u, सही है। तो स्क्वायर रूट यू को हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा यू की पावर वन बाय टू, सही है। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू की पावर वन बाय टू, मतलब पावर रूल लगेगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो पावर रूल लगेगा, ये बनेगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ यू इन टू डेरीवेटिव विदाउट पावर इज डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, डेरीवेटिव विदाउट पावर। तो देखो ये बन गया डी यू बाय डी एक्स, मतलब कि डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी तो हम फाइंड कर चुके हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ यू इन टू डेरीवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें अब ये डेरीवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरीवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू क्या है वो हमने देखनी है, वो कहाँ से आएगी कि डेरीवेटिव क्या है ये u का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो u तो हमें पता है कि इसके बराबर है, तो इसका हम डेरीवेटिव ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा यहाँ से d ओवर डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, दोनों साइड्स पे मैं इस इक्वेशन के डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, ये बन गया, सही है। तो अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा is equal to d over dx of u is equal to, इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ये बनेगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वन प्लस एक्स आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वन माइनस एक्स माइनस
वन माइनस एक्स इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ, ये बनेगा वन प्लस एक्स इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है, तो ये वैल्यू है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू की। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू बन जाएंगे। तो माइनस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू। सही है, ये वैल्यू है जो है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू की। तो ये हम उसमें पुट कर देते हैं जो हमने डेरिवेटिव पहले फाइंड किया था, ये ठीक है। इसको मैं रेड कलर से लेबल दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ यू की और यू की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ यू है, यू की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, ठीक है। यू की वैल्यू मैंने उसकी जगह पुट कर दी, और इन टू था डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है ये है, वो हम पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखें ये टू जो है इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है, ये डेरिवेटिव है, ये है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। हमने पहले सब्सटीट्यूशन की, उसके बाद हमने जो है उस सब्सटीट्यूशन से उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। तो फिर उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। सही है, ये वैल्यू है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई आप खुद से करें। तो बाकी डेरिवेटिव फाइंड करना और सब्सटीट्यूशन करना वो मैंने इसमें बता दिया। तो इसके बाकी पार्ट जो हैं पांचों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरह से आप सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको खुद से समझ आएगी इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो बाकी इसके पार्ट्स खुद से सॉल्व करें। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इफ़ अगर, और हमें एक इक्वेशन दी है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इक्वेशन क्या है, पहले तो मैं लिखता हूँ फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है, और हमें इक्वेशन गिवन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, मतलब कि वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें ये वाई आ रहा है, सही है, इसका डी ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो ये तो इक्वेशन में मौजूद है वाई, तो इक्वेशन में किसी के साथ कुछ भी हम मतलब कि उसके साथ कुछ भी ट्रीट करते हैं तो पूरी इक्वेशन को हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ता है। तो पूरी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 4y प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ 0।
सही है, पूरी इक्वेशन का लेफ्ट राइट दोनों साइड्स का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, 1, 3 इंटू 1 इज 3, और प्लस इसी तरह से 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंदर आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 इज़ 0, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और 0 भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये बन गया 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था, डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इस 3 को मैं राइट साइड पे लेकर जा रहा हूँ, तो ये -3 आ गया, तो 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स से, तो 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ राइट साइड पे लेकर जाके, -3/4 इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आ चुकी है डी वाई बाई डी एक्स की, जो हमने फाइंड करनी थी इक्वेशन से, और जो कि वैल्यू आई है -3/4, तो यही हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो हैं 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, बल्कि 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट्स में हमें इक्वेशंस गिवन है, और हमें हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। ठीक है, इसी तरह से पूरी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। सही है, तो उसमें से फिर आगे एलिमिनेट करके या किसी भी मेथड से उसको सेपरेट कर देना डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेशन में से, जिस तरह से हमने डेरिवेटिव लेने के बाद किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स जो हैं इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं, हमें उसमें भी फाइंड करना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। सही है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस इसके भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। ये हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं ये दोनों गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है dy वाई बाई डी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। सही है, तो मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें दोनों साइड्स पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू है थीटा प्लस 1/थीटा, तो एक्स किसका फंक्शन हुआ, थीटा का। ठीक है, डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे दोनों साइड्स पे, डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर -1। ठीक है, इस थीटा को मैं ऊपर ले गया, तो ये बन गया थीटा पावर -1। तो अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो इसको तो हम इस तरह से लिखेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, जिस तरह से हम एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते थे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आता था, इसी तरह से थीटा का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका भी 1 आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस इस पे पावर रूल लगेगा, -1 इंटू थीटा की पावर -2। ठीक है, -1 में एक और माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 -2 बन जाएगा, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 1 -θ² थीटा की पावर -2 डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। सही है, या फिर हम इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 -1/θ². सही है, तो अब देखें हमने dx बाई डी थीटा फाइंड कर लिया।
अब जो दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन में दी थी y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन, इसको सॉल्व करते हैं, सही है। तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन है, तो डी वाई बाय इस y जो है ये भी थीटा का फंक्शन है, ठीक है, तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा d ओवर d थीटा ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर d थीटा ऑफ थीटा प्लस d ओवर d थीटा ऑफ वन, ये बना डी वाई ओवर डी थीटा और ये बन गया वन प्लस ज़ीरो, मतलब कि डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू वन, डी वाई बाई डी डी थीटा इज इक्वल टू वन आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा जो है वो आ गया वन माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर। अच्छा अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हम पहले देख चुके हैं कि डी वाई बाय डी एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है डी वाई बाय डी थीटा है, डी वाई बाय डी थीटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ डी एक्स डी थीटा बाय डी एक्स से तो क्या होगा, ये डी थीटा से कैंसिल, मतलब कि ये दोनों कैंसिल होके डी वाई बाई डी एक्स बना देंगे, सही है। तो मतलब कि इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि डी वाई बाय डी एक्स जो है वो बराबर है डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स के, तो इसको चेन रूल भी कहा जाता है, सही है। अच्छा अब देखें इसकी वैल्यूज़ हम जो फाइंड कर चुके हैं वो हम यूज़ करते हैं, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है वन, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स बाय डी थीटा हमें गिवन है बल्कि हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसका इन्वर्स ले लिया जाए तो फिर ये डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, थीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा तो थीटा स्क्वायर माइनस वन बन गया इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ से अगर डी थीटा बाय डी एक्स करना है इसको मतलब कि मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को मैंने नीचे ला के डिनोमिनेटर बना दिया, तो राइट साइड पर भी यही होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा थीटा स्क्वेयर और थीटा स्क्वेयर माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी है थीटा स्क्वेयर ओवर थीटा स्क्वेयर माइनस वन, तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं थीटा स्क्वेयर ओवर थीटा स्क्वेयर माइनस वन, इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब कि थीटा स्क्वेयर डिवाइड बाई थीटा स्क्वेयर माइनस वन दोबारा से वापस और डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो हमने फाइंड भी यही करना था डी वाई बाई डी एक्स, सही है, तो जो कि बराबर आ चुका है थीटा स्क्वेयर माइनस थीटा स्क्वेयर डिवाइड बाई थीटा स्क्वेयर माइनस वन, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं, सही है। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सेकंड पार्ट है वो भी इस तरह से है, ठीक है, हमें एक्स और वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, टी की फॉर्म में जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास तो इक्वेशंस आ जाएंगी, तो वहाँ से हम चेन रूल जिस तरह से यहाँ पर हमने अप्लाई किया उस पर भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर एंड होता है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू आप खुद से सॉल्व करेंगे।